हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वसुस पैराडाइज। मैं आपकी चहेती और प्यारी वसुधा। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ खास इन माय किचन। सो लेट्स सी वो खास क्या है। हमारे पास है आधा किलो मटन। ये बोनलेस है और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। हमारे पास है तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लहसुन, थोड़ा सा नारियल, सूखा नारियल भी आप ले सकते हैं। ये रहा हरी मिर्ची, धनिया, प्याज, टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला या गोड़ा मसाला। ये देखो, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। एक मिनट, प्रेशर कुकर में डालते हैं थोड़ा सा तेल, दो चम्मच, थोड़ा गरम कर लें इसको, ऑयल को। अब ये मटन के पीसेस जो हैं, हम लोग इसमें डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल दिया हमने इसमें। हेल्पर आ चुका है। क्या करना है? प्याज काटना है। अब इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी। प्याज कैसे काटेंगे? और हमने डाला है, ये देखिए, थोड़ा पानी डाल दिया है तेल के ऊपर, मटन के पीसेस डाल के थोड़ा पानी डाल दिया है। इसमें हमने डाला है हल्दी और नमक। अब हम इसको दो प्रेशर कुक करेंगे। जब तक ये प्रेशर कुक होता है, तब तक साइड बाय साइड हम लोग प्याज को भून लेंगे। कटो, आज हेल्पर का काम है ना, आज तो हम बनाने वाले थे। अरे क्या बात है, बनाने वाले थे। अरे ऐसा क्या, ये चलो प्याज काटो। दो दो दो, हम काट नहीं, हम अपने चाकू से काटेंगे। यही वाले से काटो फटाफट। नहीं, हमारा तो, मैं इतने दिन से ये चाकू दिखा रही हूँ लोगों को, बट यूज तो तुम ये कर नहीं रही हो। मैं करती हूँ, धनिया काट, जिसको काटने का काम आता है। कर करो करो, चलो फटाफट। कैसा वाला चाहिए? मर गए। कैसा वाला चाहिए ये तो बताओ। हम मोटा 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 मोटा। ये हमने पैन में लगभग एक चम्मच तेल भी ले लिया है। आज पता नहीं क्या होने वाला है। इतना मोटा गिरा मत। हाँ, इतना मोटा और मोटा। अरे भाजना है। ओके, बहुत दिन हो गया ना, प्रैक्टिस छोड़ दी हमने प्याज काटने की। तुम इतना टेंशन मत लो, प्याज ही तो है। 10 साल हो जाएंगे इसी साल खाना खाना। अरे बड़े दिनों बाद हमने चाकू हाथ में लिया ना, एक तो पसीना उतरेगा यार, गर्मी बहुत है। लो, कट गया तुम्हारा प्याज। नसीब इसी साल कटा। तो बड़ा छोटा कैसा प्याज चाहिए वो तुम बताओ। चलो चाकू रखो। चलो हम जा रहे हैं चाकू रखने, मिलते हैं आपको। ये जो प्याज कट गए हैं, हम डालने जा रहे हैं फ्राइंग पैन। जैसे कि हमको पता है, इनको पहले भाजना है अच्छे से, पूरा रेड करना है, थोड़ा जला हुआ रेड, जले हुए प्याज नहीं बट जला हुआ रेड। भुनने दो भुनने दो, फुल कर देते हैं गैस। ये देखिए प्याज हमारे भुन रहे हैं बढ़िया तरीके से, और भी इनको थोड़ा ब्लैक करना है, डार्क ब्राउन। ब्लैक हमें, ब्लैक तो मतलब जल, डार्क ब्राउन करना। यहाँ से हमारा जो मटन है उसको दो सीटियां हो गई, हमने बंद कर दिया है, दम पे इसको रखा हुआ है। सो इसका जब दम निकल जाएगा तभी हम मटन निकालेंगे, बाय द टाइम हम मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। प्याज हमने निकाल दिया, अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, इसको भी भूनना है। जैसे कि मैंने गावरन चिकन में भी आपको दिखाया था ये मसाला कैसे बनाना है, वैसे ही ये मसाला बनाना है। आज मैं फिर दिखा रही हूँ,
those who have missed can see this again. हेल्पर भी भाग गया हमारा प्याज काट के बड़े आए हाय हाय मटन क्राफ्ट मटन की खुशबू ये हो गई है हमारी मिर्चियां अब हम डालेंगे इसमें लहसुन को भी भूल लेते हैं ये देखिए हो गए हमारे लहसुन लहसुन इज ऑल सेट एंड डन अब आता हमारा नारियल चढ़ा इसको धीमी आंच पे थोड़ा ब्राउनिश कर दें तेज आंच रखेंगे तो फिर वो अच्छे से होगा नहीं ये नारियल हो चुका है तैयार देखो कितना अच्छा नारियल किया हमने देखो दिखाओ अपने इकट्ठा करो उसको यार आज गर्मी बहुत है बेचारे हेल्पर को भी उस दिन बोल रहा है जिस दिन बहुत गर्मी है ये हमारा दुनिया गया इसमें हमारे हेल्पर ने बहुत ही जबरदस्त काम करते हुए काम खत्म हो चुका है इसको खाना नहीं तो ये लो तुम पैदल जम्मू पहुंचोगे ये बन गई है देख लो वाह 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 व्हाट अ फाइन कोर्स व्हाट अ फाइन कोर्स थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स हमारा मटन जैसे कि हो गया है हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर क्योंकि टमाटर हमने भुना नहीं था टमाटर हमने कच्चा ही डाला था इसलिए मैं सबसे पहले ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल रही हूँ रुको नाउ वी विल पुट थोड़ी आंच धीमी कर लेते हैं भुन गया टमाटर क्योंकि तेल एकदम गर्म था कढ़ाई मैंने पहले से ही गर्म करके रखी थी ये देखो भून लो भून लो भून लो भून लो लो दिस इज टमाटर फॉर यू टमाटर के साथ भुन गया टमाटर थोड़ा इसमें तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया बिकॉज अभी हम मटन डालेंगे तो वो फिर नहीं तो गायब हो जाएगा सारा क्योंकि मटन में जो हमने था वो बहुत ही लगभग 2 चम्मच ही तेल डाला था ये मैंने 2 कड़छी तेल लिया है ये देखिए हो गए टमाटर अभी डालेंगे आंच धीमी कर लेते हैं अभी डालेंगे ये मसाला आंच थोड़ी धीमी कर ले ये थोड़ा नहीं तो मसाला जल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच हल्दी और इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से अब हम इसमें डालते हैं मटन जो हमने बॉईल किया था हेयर गोज द मटन कुछ बचा तो नहीं भाई एक आधा पीस कोई हो गया अब इसको बॉईल करने के लिए रखिए तब तक जब तक जो है हमारा मसाला गाढ़ा नहीं हो जाता है एकदम
मतलब लगभग 10 से 15 मिनट तक मध्यम आंच पे। ये देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं, अब हमने गैस बंद कर दी है। अरे वाह क्या तरी आई है ऊपर, और ये हमारा मटन जो है मसालेदार बोनलेस मटन कांति हो गई है रेडी। इट इज रेडी टू सर्व हॉट। हमारी मस्त मस्त डिश हो गई है रेडी, आप इसको खाइए मस्त खट्टी खट्टी कैरी के साथ, राइस के साथ। आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ। एज यू नो मेरी जो सारी डिशेज हैं आप उसको पराठा राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। सो जो है करके इसको मैंने कैरी इसलिए रखी है कि थोड़ा खट्टापन भी लाइफ में बड़ा ही ज़रूरी है करके। सो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कैसी लगी आपको ये मटन मसाला करी बोनलेस। नॉट टू फॉरगेट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर माय ऑल ओल्ड वीडियोस, जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपने उन सबको बहुत लाइक किया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के मैं और अच्छा क्या करूं आपके लिए जो आपको पसंद आए। टिल देन वसुधा साइनिंग ऑफ, बाय।